दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा, आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक अद्भुत विषय पर बात करने जा रहे हैं। सिर्फ एक उपाय और घर का वास्तु दोष समाप्त। जी हाँ, सिर्फ एक उपाय और घर का वास्तु दोष समाप्त। तर्क संगत बात करूंगा, शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ बात करूंगा। जो भी चीज बोलूंगा सारी चीजें शास्त्रोक्त उल्लेखित होगी, एक भी चीज उनसे बाहर बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक उपाय, बहुत ही छोटा सा उपाय, किसी भी तरह की धनराशि खर्च नहीं होगी। चालू करते हैं, चलिए आज का कार्यक्रम। करना क्या है? सबसे पहली बात, घर का वास्तु के अनुसार सबसे शुभ दिशा कौन सा है? सबसे शुभ दिशा है ईशान का दिशा, ईश्वर का दिशा। जहां पर उत्तर और पूर्व कोना आकर मिलता है वह कहलाता है ईशान का कोण, सबसे शुभ स्थान हमारे घर का। अधिकतर खुशियां, अधिकतर सौभाग्य वहीं से आता है। सौभाग्य का दिशा वही है, धन का दिशा वही है, धर्म का दिशा वही है, बुद्धि सद्बुद्धि का दिशा वही है। और जो सबसे सामान्यतः जो गंदे दिशा में जो सबसे पहले नंबर में जिसका नाम आता है, वह दिशा ईशान कोण के ठीक सामने होता है, नैऋत्य कोण, जहां पर दक्षिण और पश्चिम दिशा आकर जुड़ता है। जहां पर दक्षिण और पश्चिम दिशा आकर जुड़ता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जो मैं आपको प्रमाण बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे शुभ दिशा हो गई ईशान की दिशा और सबसे खराब दिशा हो गई नैऋत्य की दिशा। वास्तु का एक नियम है कि आप जो भी काम करेंगे उसका इंपैक्ट डायरेक्ट 180 डिग्री में जरूर पड़ता है। मैं एक छोटा सा पहले दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए किसी घर का उत्तर का दिशा ऊंचा है और दक्षिण का दिशा नीचे है। मान लीजिए किसी घर का उत्तर का दिशा ऊंचा है और दक्षिण का दिशा नीचे है। अब मुझे उत्तर को डाउन करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं उत्तर को खोदूं तोड़ूं तभी वो डाउन होगा। यदि मैं दक्षिण दिशा में कुछ ऐसा चीज बना दूं जो उत्तर से भी ज्यादा ऊपर हो जाए तो उत्तर खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप उत्तर को ठीक करने के लिए हर हमेशा उत्तर को छेड़ें, आप दक्षिण को भी छेड़ें कि उत्तर के इम्पैक्ट को, गलत इम्पैक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हर एक चीज का फर्क, वास्तु में हर एक चीज का फर्क सामने की दिशा में जरूर पड़ता है। तो सबसे अच्छी दिशा तो हो गई ईशान और उसके ठीक 180 डिग्री में ये जो नैऋत्य की दिशा हो गई है सबसे खराब दिशा हो गई। अब मुद्दा यह है कि ईशान है क्या? शास्त्रों में क्या कहीं पर प्रमाण है कि ईशान है क्या चीज? शास्त्रों में प्रमाण है। ईशान कौन है? शिव जी का ही एक नाम ईशान है। क्लियर? ईशान कौन है? शिव जी। संध्या के समय, जिस समय दिन और रात आपस में आकर एक होते हैं, गोधिली बेला का समय, वह शिव जी का समय होता है। 33 कोटि देवी देवता उस समय शिव जी के पास आते हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए, शिव जी के दर्शन के लिए। प्रतिदिन एक छोटा सा काम किया, शुद्ध घी का दिया घर के ईशान कोण में अवश्य जलाएं, शिव जी के नियमित। विशेष ध्यान रखिएगा, शुद्ध घी का दिया शिव जी के नियमित। और उसे थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं तो उस जगह में आप थोड़ा सा पहले गंगा जल डालें, उस जगह को हर हमेशा साफ सुथरा रखें, उसके बाद आप दिया प्रज्वलित करें। पहला अल्टरनेट। इसके साथ सपोर्ट में मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं। जब आप शिव जी के लिए प्रतिदिन दीप दान करें, शिव जी को प्रतिदिन दीप दान करें, तो माँ तुलसी का भी पौधा उस स्थान में रखकर उनके लिए भी प्रतिदिन एक दीप दान करें। नंबर 3, शिव जी के अभिषेक का जो जल होता है उसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिलाकर आप वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार कम से कम अपने घर में अवश्य छिड़काव करें। यह 3 छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें प्रमुख चीज था शिव जी के लिए शुद्ध घी का एक दीपक।
तो चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नए विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए जय श्री राम।